फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हम सब के गार्डन में आई एम श्योर ऐसे कुछ प्लान्स होते हैं जो हम दे आर लिटिल बिट नेग्लेक्टेड. कुछ प्लान्स को हम बहुत जतन से रखते हैं क्योंकि वो थोड़े फांसी होते हैं, एंड कुछ प्लान्स हैं जिसको हम जैसे भी रखें कुछ नहीं होता है उन सबको, इसलिए हम लोग कभी कभी नेग्लेक्ट कर देते हैं. नेग्लेक्ट नॉट इन द सेंस, कभी कभी उन सब में उतना इंसेक्ट्स वगैरह भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पानी वगैरह भी नहीं चाहिए, एंड स्पेशली अगर वो ज़मीन पर लगे हुए हैं तो मेरे गार्डन में तो एटलीस्ट थोड़े बहुत नेग्लेक्टेड होते हैं लेकिन बहुत अच्छा लुक एंड कलर देते हैं मेरे गार्डन में. ये जो रेड पांडा वाला प्लांट है ये भी वन ऑफ दिस. देन द सेकेंड इज ऑब्वियसली प्लूमेरिया. चंपा के जो भी वेराइटीज़ हैं फ्रेंड्स मुझे बहुत पसंद है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें मिली बग्स वगैरह का इशू नहीं होता है, सेकेंडली उनमें पानी बहुत कम चाहिए, एंड आई एम समवन जिसको पानी बहुत ज़्यादा यू नो मैनेजमेंट में इशू होता है. सो ये देखिए अभी न्यूली इसमें पत्ता भी नहीं आया बिकॉज अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है. पत्ता आने से पहले ही ये डोरमेंसी से उठ के पहले ये ब्लूमिंग करने के लिए रेडी हो चुका है. तो बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस भी होता है मैक्सिमम प्लूमेरिया में, सिर्फ नाप्सन्याक चंपा को छोड़ के. उसके बाद ये ब्लीडिंग हार्ट बहुत ह्यूज है, ये वाला मेरे ग्राउंड पे लगा हुआ है ज़मीन पे. ये इतना ज़्यादा फैल गया और इसका पत्ता पान का पत्ता होता है ना उतना ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया. ये अगर आप कोई आपके बाउंड्री जो वॉल होता है उसके साइड में अगर लगाते हैं आप, ये मधुमालती या बोगेनविलिया ये सारे या मॉर्निंग ग्लोरी ये सारे बहुत अच्छा से ग्रो कर जाते हैं अगर ज़मीन पे लगा हुआ आता है, एंड बहुत ही ज़्यादा कलर ऐड करते हैं आपके फैंस में. हालांकि ये तो मेरे एक साइड में लगा हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना. मैं सोच रही हूँ एक पौधा मैं अपने फ्रंट के जो मेरा बाउंड्री वाला है उस साइड में लगा दूँ ताकि बहुत ज़्यादा कलर ऐड करे. ब्लीडिंग हार्ट जो तीन दो वेराइटी जो वाइट वाला है वो और ये वाला रेड वाला दोनों ही बहुत ही नेग्लेक्टेड है क्योंकि ये ज़मीन पे लगे हुए हैं तो मैं पानी तो नहीं देना पड़ता है, कोई फर्टिलाइज़र नहीं है बिकॉज द लैंड इटसेल्फ इज़ क्वाइट फर्टिलाइज क्योंकि काउडंग वगैरह गिरता रहता है, एंड इट्स ग्रोइंग लाइक यू नो देर इज़ नो लिमिट टू इट्स ग्रोथ आई कैन से, एंड इट्स एडिंग सो मच ऑफ कलर टू द गार्डन दैट आई एम रियली इम्प्रेस्ड. देन द अनदर प्लांट जो बहुत ही यू नो नॉन फसी है, फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होता है, यू नो ईयरली एक दो बार कभी कभी दे देती हूँ, दैट इज़ दिस यूफोरबिया मिली और क्राउन ऑफ थॉर्न्स. इसका अराउंड 13 या 14 वेराइटीज़ मेरे पास है. एक तो थॉर्नलेस भी है दैट इज़ ऑल्सो देयर. मैक्सिमम ये मेरे टेरेस पे रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बर्दाश्त कर सकता है, फुल सन में रह सकता है. नीचे तीन चार पड़ा हुआ था वो ही आई एम इंक्लूडिंग इन दिस वीडियो. ये भी विदाउट एनी फस पूरा ऑलमोस्ट मेरे यहाँ तो पूरा साल ही ब्लूमिंग करता रहता है. मैं कुछ भी फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ, जितना कम पानी दे दीजिए उतना ही ज़्यादा ब्लूमिंग होता है. एंड देन ड्रेसिना के वेराइटीज़, मैंने एक ड्रेसिना के कटिंग लगाने के ऊपर एक यू नो वीडियो डाला था 2 महीना पहले आई थिंक, उसमें मैंने कुछ ड्रेसिना के वेराइटी दिखाए थे. ये तीन चार ड्रेसिना ज़मीन पर लगे हुए हैं, एंड आई टेल यू कि ड्रेसिना अगर ज़मीन पर लगा हुआ होता है तो बहुत जल्दी इट ग्रोज़ अ लॉट, एंड देन बहुत ज़्यादा इजीली यू कैन जस्ट कट एंड मेक डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स. और ये पानी एक बोतल पानी में भी इफ़ यू पुट इट देयर ऑल्सो ना विद इन 7 to 10 days स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड गर्मी के टाइम पे रूट ग्रो हो जाता है. सो ड्रेसिना ऑल्सो इफ़ यू हैव स्पेस और यू आर समवन लाइक मी जिसके पास टाइम थोड़ा इशू हो जाता है एंड यू नीड प्लांट्स विच कैन ग्रो इजिली विथ लिटिल बिट ऑफ नेग्लेक्ट ऑल्सो, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑप्शन. मोस्ट ऑफ द ड्रेसिना वेराइटीज़ आर नॉन फस्सी लाइक सॉन्ग ऑफ इंडिया हुआ, ये हुआ, एंड दे आर वेरी अफोर्डेबल ऑल्सो. सो दिस इज ये दो तीन वेराइटी यहाँ पर एक ही साथ ज़मीन पर लगा हुआ है, इनसे मैंने बहुत सारे कटिंग ऑल्सो आई ग्रू. देन ये भी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एंड मिड शेडो ऑल्सो हु इज़ ऑलवेज विथ मी. दिस ड्रेसिना वेराइटी इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन, इसका ग्रीन कलर में भी आता है. हियर इन नर्सरीज इट्स अवेलेबल इन ₹30 to maximum ₹40. तो आई हैव लाइक इन पॉट्स एज वेल एज, और ये इंडोर बहुत अच्छे से ग्रो होता है. ये वाला ज़मीन पर लगा हुआ है एंड इट ग्रो लाइक यू नो क्रेजी. देन दिस वन इज़ ऑर्नामेंटल जेट्रोफा. जेट्रोफा का दो जो भी वेराइटी है दोनों ही बहुत ईजी टू ग्रो है, लेकिन ऑर्नामेंटल ये वाला में मिली बग्स वगैरह का इशू नहीं होता है.
देन एग्लोनीमा इज ऑल्सो समथिंग, अगर ज़मीन पे लगा दिया देन कोई इशू नहीं है, घर के अंदर कभी कभी एग्लोनीमा स्पेशली जो रेड वेराइटी है उस पर थोड़ा इशू होता है, बट मेरा ये ज़मीन पे लगा हुआ है तो इट्स गोइंग ग्रोइंग वेरी नाइस। देन एक्लिफा जो फोर वेराइटीज़ में मेरे पास है अभी, आई एम जस्ट इंक्लूडिंग वन वेराइटी, एक्लिफा इज ऑल्सो ए वेरी डैम ईजी प्लांट इफ़ यू पुट इट इन ग्राउंड, ज़मीन पर बहुत ईजिली ग्रो होता है, लेकिन मैंने पॉट में जब डाला था वो भी ईजी टू ग्रो है, लेकिन पॉट में मुझे सारे प्लांट में बरसात के मौसम में मिलीबाग का थोड़ा इशू हुआ था, लेकिन ज़मीन पे मिलीबाग लगने से भी कुछ इशू नहीं होता है। एक्लिफा में थोड़ा मिलीबाग जल्दी लग जाता है, आप रोड साइड भी देखेंगे एक्लिफा के जो मैं ना फुटपाथ वगैरह में प्लान होते हैं उसमें भी मिलीबाग होता है, बट ज़मीन पे वो चल जाता है, कुछ इशू नहीं होता है, बट पॉट्स में थोड़ा इशू होता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये छोटा सा वीडियो ऑन सम ऑफ द नेग्लेक्टेड प्लांट्स इन माय गार्डन आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you so much and have a very nice day.